कैसी हो अम्मा? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे बच्चा? बस मैं ठीक हूँ। ये देखो आपके लिए गरम गरम पूरी लाई है, अभी खा लो, आप नाश्ता कर लो। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है बच्चा, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो बेटा। अच्छा मुझे कोई काम से जाना है तो मैं आती हूँ, फिर आपसे आके मिलती हूँ। खा लेना ये नाश्ता। बेटा संभल के जाना। हेलो पुलिस, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। पूजा जरा चेक करो सर, जरा सामान चेक करो। फोन किसने किया था? मैंने किया सर, मेरा नाम सत्यदेव राठी है, ये पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। रोज की तरह मैं काम पे जा रहा था तो मैंने देखा बूढ़ी माँ खून से लथपथ है, इसलिए आपको फोन कर दिया। पहचानते हो उन्हें? हाँ, लाल चौक पे रहने वाले हर कोई इन्हें बूढ़ी माँ बुलाते हैं। कोई खाना देता है तो बदले में दुआ देती है। साहब मैंने भी कई बार उन्हें खाना दिया। सर इसके हाथ पर ये नाम है जानकी, शायद इन्हीं का नाम हो। हाँ हो सकता है। तो सामान में भी कुछ नहीं मिला, आईडी प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं। देखो इन जानकी के बारे में कुछ और पता चलता है तो। अपूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सर और शर्मा जरा आसपास चेक करो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। सर जानकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत 3 जुलाई की सुबह 7 और 9 बजे के बीच हुई है। मौत का कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग है और सर मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं। कोई सीसीटीवी? सर वो बाईपास रोड था, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। सर जानकी पिछले 6 साल से वहीं रह रही थी, लेकिन आसपास के लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सब लोग उसे बूढ़ी माँ कहते थे और किसी से उसका कोई बैर नहीं था। सर तो फिर ये रैश ड्राइविंग या ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हो सकता है, आजकल लोग सुबह भी पीते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन सवाल ये है कि उस समय गाड़ी कौन चला रहा था और वो गाड़ी थी किसकी। हमारा फर्ज बनता है कि जानकी को इंसाफ दिलाए। सर नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। कानून अंधा होता है, सबसे पहले विक्टिम की शिनाख्त, फिर सबूत और गवाह अपराधी तक पहुंचने का जरिया बनते हैं। इसके बावजूद देश भर में हर साल शिनाख्त ना होने की वजह से 40,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी पुलिस के सर पर आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे सब मरने वाले गुमनामी होते हैं? क्या सचमुच उनमें से किसी के घर पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं होता? वो क्यों मरा, उसे किसने मारा? ऐसे मामलों में पुलिस को अक्सर मरने वाले के बारे में कुछ खास पता ही नहीं चल पाता। एक्सीडेंट में एक गुमनाम बुजुर्ग महिला की मौत का ये अनयूजुअल केस भी शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब इसकी कड़ियां खुलनी शुरू हुई तो एक घिनौना अपराध उजागर हो गया। एक ऐसा अपराध जिससे हर बाप अपनी बेटी को बचा कर रखना चाहेगा। हम आपसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं साहिब आलम, लेकिन आप आका हैं और हम कनीज। हमारी इन आंखों से हमारे ख्वाब मत छीनिए शहजादे, ना हम मर जाएंगे। हो गई नौटंकी? कितनी बार कहा है कि ये सब छोड़ के घर का कामकाज करना सीखो। मेरी अम्मा कहती है कि जब रोटी गोल होगी तभी औरत की जिंदगी सफल होगी। यहाँ तो नाटक से ही छुट्टी नहीं है, तनी क्या नौटंकी करती रहती है। कपड़े रखो। अरे माँ जमाना बदल गया है। अच्छा आजकल सिर्फ लड़कियाँ चूल्हा चौका नहीं कर रही है, देश भी संभाल रही है। तुम तो बेटा ना बस घर संभाल लो, उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरे घर क्यों संभालेगी भाई, यारी सी गुड़िया है हमारी, सितारा बन के चमकेगी। आओ इधर।
और सितारा अगर चूल्हा चौके के सामने बैठेगा तो काला नहीं पड़ जाएगा? तुम्हारी माँ की तरह। उड़ा लो तो मजाक उड़ा लो मेरा। बड़े आए जागीरी, जल्दी चलो, देर हो जाएगी हमें। हाँ मैं देर से आऊंगी। कुछ करिए, कहाँ जा रही है? बाय बाय। संभल कर जाना। लड़की को ज्यादा छूट दोगे ना तो लोग गाली देंगे। अरे कौन गाली देगा भाई, जब लड़की हमारा नाम रोशन करेगी तब देखना, वही लोग ताली भी बजाएंगे। इस प्रतियोगिता के विजेता है रागिनी शर्मा। और मैं रागिनी जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। मुबारक। थैंक यू। रागिनी ने ना सिर्फ ये प्रतियोगिता जीती है बल्कि हम सब लोगों का दिल भी जीता है, इसलिए हमारे फिल्म डायरेक्टर मिस्टर नमन झा ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में बतौर हीरोइन लेने का फैसला किया है। हाँ, हमारी बिटिया हीरोइन बन गई भाई। नाचो, अरे नाचो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आइए साहब। पूजा जरा चेक करो सर, जरा आसपास चेक करो तुम लोग। इस लड़की की बॉडी का कैसे पता चला? शायद 25-26 साल की लड़की होगी। और सर ये देखिए, ये रस्सी का निशान गले पर, शायद रस्सी से गला घोट के मारा गया है। और सर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं है तो शायद इसके साथ रेप नहीं हुआ होगा। जरा आसपास चेक करो, कोई रस्सी वगैरह मिलती है क्या? सर शर्मा, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस जंगल में ये अकेली लड़की करने क्या आई होगी और किससे मिलने आई होगी? सर एक चांस ये है कि इसे कहीं और मारा गया और बॉडी को यहाँ लाके फेंक दिया। हाँ पॉसिबल तो है। सर एक फोन मिला है। फोन तो काफी नया लग रहा है, हो सकता है इस लड़की का हो। इसे लैब में भेजो और चेक करो, देखो क्या मिलता है इसमें। सर पूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर 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 जो फोन हमें क्राइम सीन से मिला था उसे टेक्निकल टीम ने अनलॉक कर दिया है। वो फोन उसी लड़की का है। लड़की का नाम रागिनी शर्मा है, शांतिनगर में उसका घर है। शांतिनगर मतलब क्राइम सीन से 6 किलोमीटर होगा। खुला? कोई है? चलो घर चेक करो। सर कोई नहीं है। सर अंदर कमरे में अलमारी खुली हुई है, सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, लगता है मामला चोरी का है। चोरी यहाँ हुई और रागिनी की लाश हमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर वहाँ जंगल में मिली। सर हो सकता है ये दो अलग अलग लोगों का काम हो। सर मुझे लगता है कि मर्डर यहाँ किया गया है और बॉडी को डंप वहाँ कर दिया गया। हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। सर एक डैमेज फोन मिला है। फोन को लैब में भेजो और इसका डेटा रिकवर करवाओ, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरे घर से फिंगरप्रिंट उठवाओ। ये जल्दी से जल्दी फोन करो और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगाओ। सर 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 क्या हुआ? आप लोग कौन है? सर मैं रचना और ये मेरे हस्बैंड है चिंतन, हम यहाँ पड़ोस में रहते हैं।
यहाँ जो रागिनी रहती है आप लोग उसे जानते हैं? हाँ सर, हम 3 साल से पड़ोसी हैं, बल्कि मैं तो उसे अपनी बहन मानता हूँ। लेकिन क्या हुआ क्या सर? आपकी मुंह बोली बहन का खून हो गया है और उसकी लाश हमें यहाँ से 6 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिली है। अच्छा एक बात बताइए, आप रागिनी से आखिरी बार कब मिले थे? सर अभी 3 दिन पहले मिले थे। बिना किसी सहारे के तुम अपने पैरों पर खड़ी हो रागिनी, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमें खुशी होगी अगर तुम हमारी पार्टी में महिला विभाग की कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो जाओगी। जरूर सरस्वती जी। ये हमारी कार्यकर्ता है सुषमा जी और लता जी, और ये हमारा बेटा लोकेश, और ये हमारी होने वाली बहू अंजलि। हेलो। हाय। और लोकेश की होने वाली पत्नी अंजलि, इनका स्वागत करो। जी मम्मी जी। अब हम चलते हैं। चलो। ये सर? ये सरस्वती जी हैं। रागिनी को अपने जनजीवन पार्टी में आने का मौका दे रही हैं। अरे वाह, मुबारक हो। ओ हेलो, कहाँ खोई हुई हो बहना? अरे कुछ नहीं, वो मैंने आपको बताया था ना, वो आदमी जिसके पास मेरे 2 लाख रुपए अटके हुए हैं, वो मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पैसे ही नहीं दे रहा है। रागिनी को किस बात के पैसे लेने थे? सर रागिनी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, शायद शूटिंग के पैसे होंगे। हाँ, जिस आदमी से पैसे लेने थे उसका नाम पता है? हाँ, बबलू। बबलू। अच्छा रागिनी के साथ इस घर में और कौन रहता है? कोई नहीं सर, रागिनी अकेली रहती थी। उसकी फैमिली नहीं है? नहीं सर, है, उसके मम्मी पापा हैं, गाजियाबाद में रहते हैं लेकिन दूसरे घर में। मतलब एक ही शहर में अलग अलग रहते थे? उनकी आपस में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? सर हमें नहीं पता सर। ओके ठीक है, उनका एड्रेस पता है? हाँ। पूजा एड्रेस ले लो सर। और शर्मा इस बबलू का पता लगाओ। सर नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। सर आप यहाँ? हमें रागिनी की मौत का बहुत दुख है, वो हमारी पार्टी की कार्यकर्ता थी। आप उसके कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढिए, अगर इस काम में हमारी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमें बताइए। जी सर श्योर। नमस्कार सर। सुनो ना सर, जा रहे हैं, अभी बात कर ले क्या? अभी नहीं दोस्तों, बाद में। अभी मौका है हमारे पास, अभी बात कर सकते हैं हम। इतना गर्म माहौल हो रखा है, बाद में आराम से करते हैं ना। आपकी बेटी से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? 2 साल हो गए सर। 2 साल? इतना लंबा टाइम क्यों? हमारी बेटी रागिनी को बड़ी हीरोइन बनना था सर, उसने केंद्रीय नृत्य मंदिर की अभिनय प्रतियोगिता भी जीती थी सर, प्रथम स्थान हासिल किया था उसने, और उस मंच से तरिकतन नमन जाने तो वादा भी किया था सर कि हमारी बेटी रागिनी को फिल्म में हीरोइन बनाएंगे। सब कुछ था सर, हमारी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों ने अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए? नहीं मारा था क्या? आप नहीं मारा? क्यों किया? क्यों किया? ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? बाबा, बाबा। तो राम से दुनिया की परवाह किए बगैर तुझे तेरे सपने पूरे करने की आजादी दी हमने, और बदले में तूने हमको क्या दिया बेटा? ठाकुर हमको बोल रहा था कि कैलाश तुम तो बड़ा आदमी बन गए, तुम्हारी बेटी एक रात का 10,000 रुपया लेती है, मन करता है तुमको जान से मार दे। बाबा आपने मेरे खातिर इस घर को गिरवी रख दिया था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप लोग के सर से ये छत चली जाए, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया बाबा। छत चली जाती बेटा तो कोई बात नहीं थी, जी लेते हम बिना छत के, लेकिन बिना इज्जत के कैसे जिएंगे हम? कर दिया पिंडदान तेरा हमने, हमारे लिए मर चुकी है ये, निकल जा इस घर से, निकल जा इस घर से।
आपकी बेटी ने समाज में आपकी नाक कटा दी तो आपने उसकी जान ही ले ली। क्या कह रहे हैं सर आप? उसके सपनों में हम भी उसके साथ थे, हम अपनी इकलौती बेटी को कैसे मारेंगे? हमने ऐसा कुछ नहीं किया था सर। ये अलग बात है कि जब से हमने उसे घर से निकाला था उसके बाद हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। ठीक है, शक्ल नहीं देखी। अब ये बताइए कि 8 तारीख को आप कहाँ थे? 8 तारीख को हम घर पे ही थे सर, बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, तबीयत खराब रहती है आजकल। साहब आपसे एक विनती है, आप मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ना जरूर। जी हमारी बेटी को इंसाफ दिलाइए सर। सर रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक उसकी सबसे ज्यादा बातें दो लोगों से होती थी, एक उसकी नेबर रचना, दूसरा बबलू दुबे। ये वही बबलू दुबे तो नहीं है जिसके बारे में चिंतन ने बताया था? सर लगता तो ऐसे ही करता। क्या ये लड़कियों की दलाली करता है? मतलब ये बात कंफर्म है कि रागिनी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में थी? जी सर, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में तो यही बात सामने आई। इस बबलू का बैकग्राउंड चेक किया सर, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, रेप केस में अंदर जा चुका है। फिर रागिनी ने इसे 2,00,000 रुपए भी दे रखे थे और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इसकी सर्च कहाँ तक पहुँची? सर उसका फ़ोन अभी बंद है, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मेरठ की। शर्मा मेरठ गाजियाबाद किसी भी बिल में छुपा हो ढूंढो उसे। सर 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 रागिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से रागिनी की मौत 8 अक्टूबर को शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई। पहले उसे बेहोश किया गया और फिर रस्सी से गला घोट के मारा गया, और जब रागिनी की मौत हुई तब वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ सर। सर रागिनी प्रोस्टिट्यूशन में थी, ये बच्चा शायद उसके किसी कस्टमर का हो। नहीं पूजा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो भी औरतें इस प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में होती हैं वह सतर्क होती हैं, सेफ्टी का ध्यान रखती हैं। ऐसा हो सकता है कि रागिनी का कोई बॉयफ्रेंड हो, वो उससे प्रेग्नेंट हुई हो और फिर रागिनी ने शादी के लिए उस बॉयफ्रेंड पर दबाव डाला, उसने इनकार किया और मार डाला। सर हो सकता है उसका कोई रेगुलर कस्टमर हो, ये बच्चा उसी का हो और ये रागिनी उस कस्टमर को ब्लैकमेल कर रही हो, इसलिए उसने रागिनी को मार दिया होगा। अब ये पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, रागिनी से जुड़े जितने भी लोग हैं सबकी डिटेल्स निकालो और ये चिंतन और रचना उससे भी पूछताछ करनी है। हो सकता है सर, रागिनी का बॉयफ्रेंड उससे अक्सर मिलने आया करता था, लंबा चौड़ा लड़का था, करीब 6 फीट का, बाइक से आता था। बाइक का नंबर याद है? ये सर नंबर तो नहीं याद, लेकिन सर वो हेलमेट पहन के आता था और बिना हेलमेट उतारे अंदर चला जाता था। उसके हेलमेट में ना कुछ स्टिकर सा बना हुआ था, बैलगाड़ी का। बैलगाड़ी? जी, मैंने उससे एक बार पूछा भी था। रागिनी कौन था ये? भाभी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या नाम है इसका? नाम में क्या रखा है, आपको मिलवाई दूंगी, मैं शादी के दिन मिल लेना। ये रागिनी ने लड़के का नाम क्या बताया था? सर उसने नाम तो कभी बताया नहीं। ठीक है पूजा, अगर कब पूछेंगे? अभी नहीं, बाद में करते ना। अरे कुछ कहना चाहती हो? मैंने उस दिन भी नोटिस किया तुम कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, घबराओ मत, जो कुछ भी है साफ साफ बताओ, किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ, आराम से बैठो, बैठ के बताओ, बोलो क्या कहना चाहते। सर मैं 10 साल की थी जब मैं अपने माँ बाप से अलग हो गई, मेरे पापा रोज दारू पीते थे और रात को घर आके मुझे और माँ को मारते थे। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, उस दिन दिवाली का दिन था और बाबा फिर से दारू पी के आए थे। रचना रचना बेटा एक काम कर, तू चाचा के घर चली जा और आज रात वहीं रुकना, ठीक है? मैं कल सवेरे तुझे खुद लेने आ जाऊंगी। अक्कल है कि नहीं, उनकी बेटी को यहाँ भेज दिया, मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या सबको खिलाने का? धीरे बोलो धीरे, बच्चे यहीं पे हैं, सुन लेंगे तो उनपे क्या असर पड़ेगा, और वैसे भी भैया की बेटी है वो। भैया की बेटी है तो क्या मैं डरती हूँ? भैया की बेटी है तो उनको बोलो उनकी बेटी को खिलाए, एक तो घर में मिठाई कम आती है, तो मैं अपनी बेटी को खिलाऊं या फिर उनकी बेटी को? हाँ देखो आज के आज इसको यहाँ से भगा दो, समझे? मैं वहां से निकली और रोते रोते एक टेम्पो में जाके सो गई। जब आंख खुली तो मैं दिल्ली में थी, मैं बहुत डर गई थी। हाँ मैंने एक आदमी को बोला कि मैं कानपुर से हूँ, तो उसने मुझे एक ट्रेन में बिठा दिया। स्टेशन पहुंची तो मैं पटना में थी,
वहाँ एक आदमी मुझे अपने घर ले गया और अपने फैमिली के साथ मुझे नौकरानी बना के रखने लगा। फिर एक दिन मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। वहाँ से निकल के फिर एक एनजीओ में गई। वहाँ मैंने 12th तक पढ़ाई की और ये मुझे वहीं मिले थे। हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन सर, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। तो फिर तुमने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मैडम, मुझे मेरा घर नहीं याद। मुझे बस इतना याद है कि हम कानपुर में रहते थे और हमारा घर स्टेशन के पास था और मेरे बाबा रिक्शा चलाया करते थे। सर, आप मेरी माँ को ढूंढेंगे ना सर? प्लीज सर। हम आपके माँ बाप को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। पूजा, एक टीम इनकी फैमिली को ढूंढने के लिए लगाओ। जी सर। सर एक मिनट। हेलो सर, बबलू का पता चल गया। वो मेरठ में प्लाजा लॉज में रुका हुआ है। सब आपने मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा था, तो पैसों का वजन भी ज्यादा होना चाहिए ना। अब पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। अगर मैं पकड़ा गया तो सब कुछ उल्टी कर दूंगा। कौन है? रागिनी को क्यों मारा? सब मैंने नहीं मारा रागिनी को, सब मैं क्यों? जिस दिन रागिनी का कत्ल हुआ तूने से फोन किया था ना, 2,00,000 रुपए तूने देने थे ना उसके, वो रुपए ना देने पड़े इसलिए फोन किया। बुलाकर मार डाला उसे। साहब, रागिनी मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी साहब। हर महीने 1,00,000 रुपए कमाता था उससे साहब मैं। उसके मरने का सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है साहब, मैं क्यों मारूंगा उसे? तो फिर उसके पैसे क्यों नहीं लौटाए? कैसे लौटाता साहब, पिछले 8 महीने से वो काम नहीं कर रही थी। अगर वो काम कर रही होती ना तो सूद समेत वापस कर देता पैसा। पिछले 8 महीने से काम नहीं कर रही थी क्यों? साहब, हो सकता है किसी लड़के के प्यार में पड़ी हो, हमारी लाइन में होता है साहब ये सब। जब वो पिछले 8 महीने से काम ही नहीं कर रही थी तो तूने फोन क्यों किया उसे? सब रागिनी के लिए कस्टमर की पर्सनल डिमांड आई थी साहब, और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे इसलिए फोन करना पड़ा साहब। अरे रागिनी को छोड़ो साहब, मेरे पास एक से एक लड़कियां हैं, उससे भी अच्छी देता हूँ आपको। रागिनी चाहिए, कर सकता है तो बोल। कोशिश करता हूँ साहब, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। हाँ, पैसा जितना तू बोले फिर हो जाएगा काम। साहब, मुझे मालूम था कि वो मना ही करने वाली है, लेकिन साहब फिर भी मैंने उसे फोन किया। देख बबलू, मैंने पहले ही बोला मैंने काम छोड़ दिया है। अरे, एक रात का 2,00,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, हाँ बोल दे, कितने बजे जाना है? सब 5 बजे रागिनी पिकअप पॉइंट पे मिलने वाली थी, वहाँ से वो कस्टमर के साथ आगे जाने वाली थी साहब। रागिनी ने हाँ बोला और मैंने उनकी बुकिंग होटल डीसेंट में करवा दी थी साहब। कस्टमर कौन था? कस्टमर का नाम तो नहीं मालूम साहब, लेकिन नंबर मालूम है साहब। शर्मा, इससे नंबर लो उस कस्टमर का, पता लगाओ कौन है वो। सर, तू ध्यान रखना, फिलहाल तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू हमारे रडार पर है। शहर के बाहर एक कदम भी रखा ना वैसा केस लगाऊंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। आई बात समझ में? ठीक है। शर्मा, इस बबलू ने अभी हमें पूरी जानकारी नहीं दी है, जरा उस पर नज़र रखो, क्योंकि इसकी एक्टिविटी हमें कातिल तक पहुँचा सकती है। सर, और एक बात, इस बबलू से ना एक रागिनी के जितने भी कस्टमर थे सबके एक लिस्ट ले लो और सबसे बात करके देखो, और वो डिलाइट होटल जहाँ ये रागिनी अपने कस्टमर के साथ जाती थी वहाँ से CCTV फुटेज मंगाओ और चेक करो कि कौन कौन से ऐसे रेगुलर कस्टमर थे जो उसके साथ वहाँ जाते थे। चेक कर दो। हाँ ना, जरूर। शर्मा, जब भी इस रोड से गुजरता हूँ मुझे वो बुढ़िया माँ थी ना जानकी, उसका वो दर्दनाक हादसा याद आता है। हमें उस केस को कोल्ड केस बना के नहीं रखना है। तुमने बताया था ना उस केस का एक चश्मदीद गवाह, वो लड़का जो फ्यूल बेचता था, वो तब से गायब है, पता लगाओ कहाँ है वो। सर, खबरियों ने बताया कि उसे MG रोड पे देखा गया है। MG रोड पे, जरा ढूंढो उसे। सर, सर जो नंबर बबलू ने बताया था वो इसका है। नाम क्या तुम्हारा? बाकेला चौधरी। 8 तारीख को मेरा मोबाइल चोरी हुआ था सर, और मैंने कंप्लेंट भी लिखाई थी। ठीक है, तुम जाओ। सर, मैंने होटल डीसेंट में पूछताछ की, 8 तारीख को रागिनी की बुकिंग तो थी लेकिन वो वहाँ पहुँची नहीं। CCTV फुटेज। सर, ये आदमी देखिए, ये आदमी हर 2 दिन में रागिनी के साथ देखा गया। सर, बबलू ने बताया था कि ये कस्टमर हर दूसरे दिन रागिनी के लिए कॉल करता है।
सर रागिनी ने काम तो बंद कर दिया था, फिर भी ये कॉल करता था। नाम क्या है इसका? आकाश अवस्थी। बुलाओ इसे। सर। और सुनो, रचना को भी बुलाओ। सर। ये बता, रागिनी को क्यों मारा? मैंने? हाँ तूने। पहले तूने उसे प्रेग्नेंट किया, जब उसने शादी के लिए दबाव डाला और बच्चा बनाने के लिए कहा तो मार डाला उसे। मेरा बच्चा? सर माना मैं उससे रेगुलर मिलने जाता था, लेकिन सर मैंने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया। बेवकूफ समझता है हमें? सर मैं सच कह रहा हूँ। सर दरअसल मैं दौर का रहने वाला हूँ, इसलिए ना यहाँ कोई दोस्त है ना कोई पहचान वाला, बस एक रागिनी थी जिससे बात करके अच्छा लगता था। अगर आप हमें पसंद नहीं करते हो तो हम यहाँ क्यों आते हैं? तुम हमें पसंद हो रागिनी, बस औरत का ये रूप हमें पसंद नहीं। असल में बात यह है कि तुम मुझमें एक ग्राहक देखती हो और मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त। एक आप हो और एक? और एक कुछ नहीं, जाने दो, तकदीर में शायद यूं ही जीना लिखा है, अब तो मौत भी बिन बुलाए आएगी। रागिनी बहुत परेशान थी सर, कुछ तो बात थी जो उसे खाए जा रही थी, शायद फंस गई थी जिसमें फरोशी के दलदल में। लेकिन हमें पता चला है कि तू उसके घर भी आता जाता था। नहीं सर, मैं कभी उसके घर नहीं गया, मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर तक नहीं है, तो घर का पता मुझे कैसे मालूम होगा? मैं तो हमेशा उसे बबलू के थ्रू ही मिला हूँ। पूजा? हाँ, तो मिस्टर आकाश अवस्थी, इस हेलमेट को पहचानते हो? तुम्हारा है ना? नहीं सर। पहनो इसे। रचना घूम जाओ। वहां तक जाओ और वापस आओ। वापस आओ। सर शायद ये वो नहीं है। ठीक है, हेलमेट उतार दो। सिंह लेके जाओ। जी सर। और हाँ, बिना बताए शहर छोड़ के नहीं जाओगे तुम। जी सर। सर मेरी माँ का कुछ पता चला क्या? ये तो वो बूढ़ी माँ ना जो लाल चौक पे बैठती थी। तुम जानती हो ना? हाँ सर, रागिनी ने मिलवाया था एक बार। रागिनी ने बहुत मानती थी, इन्हें खाना पानी कंबल सब देती थी। और क्या जानती हो इनके बारे में? सर और तो कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, अभी तुम जाओ, डोंट वरी, तुम्हारी माँ जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सर। शर्मा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद असली कातिल पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। 3 महीने पहले जिस जानकी की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, रागिनी उस बूढ़ी माँ की हर तरह से सेवा करती आई थी। तो क्या जानकी के साथ हुए हादसे की कोई कड़ी रागिनी मर्डर से भी जुड़ी हुई थी? रागिनी के मर्डर के 2 हफ्ते बाद भी हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर था। फिर एक दिन पुलिस के हाथ एक ऐसा पुख्ता सबूत लग गया जो कि इस केस में एक नया मोड़ ले आया। सर, रागिनी के घर से जो फोन मिला था उसका डेटा रिकवर हो गया, ये देखिए। चलो। देव प्रसाद शुक्ला जी, आपके और रागिनी के ताल्लुकात? ओपोजिशन की अच्छी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। ये फोटो झूठी है। सर हमने सारे फोटोज की जांच कराई है, किसी भी फोटोज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैंने कहा ना झूठी, फोटोशॉप की है। सर एक काम करते हैं, आपका डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। मुझे डीएनए टेस्ट नहीं कराना, निकलो यहां से।
ना इंस्पेक्टर, तुमने वो हाथी और चींटी वाली कहानी सुनी है ना? चींटी अपने दायरे में ही रहे तो अच्छी है। शर्मा एक मिनट। जैन सर जी, सॉरी सर जी, ध्यान रखूंगा। जैन सर, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, इस देव प्रसाद शुक्ला के खिलाफ हम सिर्फ इन फोटोग्राफ्स के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते, हमें इसके गृहबान तक पहुंचने के लिए कुछ और पुख्ता सबूत चाहिए। शर्मा तुम्हें याद है, रागिनी के फादर ने हमें बताया था कि रागिनी को एक डायरेक्टर ने फिल्म ऑफर की थी। क्या नाम था उस डायरेक्टर का? नमन झा। नमन झा, बात करो उससे और पता करो कि क्या हुआ था उस कार्यक्रम में, क्योंकि उस कार्यक्रम में ये देवप्रसाद शुक्ला और उसकी पत्नी दोनों शामिल थे। और हो ना हो, मुझे लगता है कि सारे चक्रव्यूह की शुरुआत उसी प्रतियोगिता से हुई है। सर, उस प्रोड्यूसर नमन झा से बात हुई, उस वक्त लंदन में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा है। उसने कहा कि देवप्रसाद शुक्ला के कहने पर उसने रागिनी को फिल्म तो ऑफर की थी, लेकिन ना वो कभी रागिनी को मिला है ना उसके बारे में कुछ जानता है। सर एक और बात, ये रागिनी जिस घर में रहती थी वो उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। 40 लाख की प्रॉपर्टी कैश दे के खरीदी। 40 लाख रुपए कैश दे के खरीदा? मुझे नहीं लगता कि रागिनी के पास इतना पैसा होगा। हो ना हो, ये देवप्रसाद शुक्ला इसका इस मर्डर में जरूर हाथ है। ये देवप्रसाद शुक्ला और उसके आदमी पर नजर रखो और साथ ही साथ बबलू पे। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है मैं पहुंचती हूँ। सर कानपुर में रचना की माँ जिस मोहल्ले में रहती थी उसका पता चल गया। वेरी गुड, काम करो तुम वहाँ के लिए निकलो। सर और शर्मा तुम ये बबलू पर नजर रखो। सर पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तरफ रचना की माँ को ढूंढना आसान नहीं था तो दूसरी तरफ रागिनी मर्डर केस में भी पुलिस कई अनसुलझे सवालों से जूझ रही थी। रागिनी के घर आने वाला उसका बॉयफ्रेंड आखिर कौन था? देवप्रसाद शुक्ला के साथ रागिनी के क्या संबंध थे? और सबसे बड़ा सवाल, रागिनी जिस्म फरोशी के उस जाल में आखिर कैसे फंसी? ये लो, ये पिटीशन है, साइन करा देना। सर, सर हमने सभी सस्पेक्ट्स पे नजर रखी थी। सर ये कुछ फुटेजेस देखिए। सर ये आजाद नगर के पार्किंग लॉट की फुटेज है। यहाँ पर बबलू ये देखिए इससे पैसे ले रहा है और पैसे लेके चला गया। पर सर यही आदमी रागिनी के मर्डर से एक दिन पहले उसके घर के आसपास मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये तो देवप्रसाद का बॉडीगार्ड है। क्या नाम है इसका? सर ओम प्रकाश। लेके आओ इसे। देख बबलू ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, पर यह भी कबूल किया है कि तूने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। और हम जानते हैं ये बात अलग है कि वो डायरेक्ट तूने पैसे नहीं दिए थे, किसी और ने दिलवाए थे। और रागिनी के मर्डर से पहले तू उसके घर के आसपास मंडरा रहा था। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास जिसमें तू साफ नजर आ रहा है, और तेरे फोन की लोकेशन और तेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी है हमारे पास कि तूने कब कब रागिनी को कॉल किया था, सब दर्ज है हमारे पास। बोल साहब, ये बात सच है कि मैं उसके घर के पास गया, लेकिन साहब आज तक मैंने उसको फोन नहीं किया कभी। मैं जानता हूँ कि तूने कभी रागिनी को कॉल नहीं किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे फोन से रागिनी को कौन फोन करता था। मैं सिर्फ तेरे मुंह से उसका नाम सुनना चाहता हूँ। देख सरकारी गवाह बन जा या फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ना, चॉइस तेरी है। हाथी और चींटी की कहानी सुनी है मैंने शुक्ला जी, और ये भी सुना है कि चींटी अगर एक बार हाथी के कान में चली जाए तो उसे तांडव करवा देती है। अब मुद्दे की बात शुरू करें। मैंने ही रागिनी को फिल्म दिलाने के लिए नमन से बात की थी। सर उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाने का वादा किया था। उनका एक आदमी सुरेश एक हफ्ते पहले मुझे गाजियाबाद में मिला। अरे मैडम, अगर फसल उगानी है तो बीज तो बोना ही पड़ेगा। 4 लाख रुपए खर्च होंगे, कॉस्ट्यूम का, ऑडिशन का, पोर्टफोलियो का, शोरील का, मतलब बहुत पैसा खर्च होता है। काम निकालिए, चाय पानी सब करना पड़ता है। अब जब 4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए ना मुझे फोन कर देना। पर इतना श्योर है कि काम दिलाने की गारंटी मेरी है। मेरे बाबा ने 4 लाख रुपए ब्याज पे लिए थे और वो सारे रुपए मैंने सुरेश को दे दिए। अब 4 दिन से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं बाबा को।
रो मत रागनी, मैं तुम्हारे पैसे दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा, मैं हूं ना, परेशान मत। मैं नमन से बात कर लूंगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बस एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और ये सुरेश कौन है? पता नहीं, शायद सुरेश ने ही नमन के नाम से रागिनी को बेवकूफ बनाया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। फिर मुझे पता चला कि रागिनी प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में आ गई। एक दिन मैंने उसे कॉल करके कहा कि मैं तुम्हें घर लेकर देता हूँ, तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ, तुम्हें धंधा छोड़ दो, मेरे साथ रहो। पिछले 6 महीने से मेरे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैंने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। तो ऐसा क्यों किया आपने? मन भर गया। अब जब पिछले 6 महीने से मेरे उससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है तो ये बात जाहिर है कि वो कम से कम मुझसे तो प्रेग्नेंट नहीं थी। शुक्ला जी, ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात बाहर ना आए, इलेक्शन सर पर है। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। थैंक यू। इतना तय था कि देवप्रसाद शुक्ला का रागिनी की मौत से जरूर कोई गहरा संबंध था। वो अब इस केस में एक प्राइम सस्पेक्ट बनकर उभरा था। साथ ही पुलिस को ये भी शक था कि जानकी एक्सीडेंट केस और रागिनी मर्डर केस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। इसी दिशा में जांच आगे बढ़ाने पर गवाह राजू के रूप में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता भी लग गई। आज तो सारे फूल भीगेंगे। सर ये राजू। हाँ साहब। राजू बेटा, तुम पहले ये फूल लाल चौक पे बेचा करते थे ना? हाँ साहब, वहाँ कमाई कम होती थी और यहाँ कमाई अच्छी होती है। अच्छा, जब तुम लाल चौक पे फूल बेचा करते थे तो एक कार ने एक बुढ़िया माँ जानकी उनको टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी, तुम वही थे? हाँ साहब, मैं वही था। रागिनी दीदी बूढ़ी माँ को खाना देकर जैसी निकली पीछे से एक कार आई और बूढ़ी माँ को उड़ाकर चली गई। सर ये हो सकता है कि वो गाड़ी रागिनी का पीछा कर रही है और गलती से जानकी को टक्कर मारी। हाँ पॉसिबल तो है। अच्छा राजू बेटा एक बात बताओ, जब तुम लाल चौक पे थे उस बुढ़िया को उस गाड़ी ने टक्कर मारी तो तुमने देखा कि कार कौन चला रहा था? नहीं साहब। उस गाड़ी का कलर, उसकी नंबर प्लेट वगैरह कुछ याद है? नंबर वंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी पर बैलगाड़ी छपी हुई थी। शर्मा, ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो बैलगाड़ी का निशान रागिनी के बॉयफ्रेंड के हेलमेट पर भी था। जी सर। हाँ यही बैलगाड़ी थी। यही बैलगाड़ी थी ऐसी? हाँ साहब, यही बैलगाड़ी छपी थी उस गाड़ी पर। बैठो साहब, सीसीटीवी खंगालो, सारा नाकाबंदी करो, कुछ भी करो। I want that car anyhow. Sir, DNA report. पढ़ो। Sir, report के हिसाब से देव प्रसाद का DNA रागिनी के बच्चे के DNA से मैच करता है, लेकिन सिर्फ 25%। मतलब वो देव प्रसाद नहीं है, उसका भाई या बेटा है। लेकिन सर देव प्रसाद का कोई भाई नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। देख लोकेश कुमार, पुलिस की मार तो सह नहीं पाएगा, इसलिए जो भी है पूरा सच बता, वरना बाद में तेरे हलक में हाथ डाल के निकलवाऊंगा मैं। और तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास। तेरी कार जिससे तूने जानकी को उड़ाया था वो बरामद हो चुकी है। रागिनी के पेट में पल रहे बच्चे का DNA टेस्ट कराया हमने जो तेरे DNA से मैच होता है, मतलब तू उसका बाप है। तो ये हेलमेट देख रहा, तेरे घर से बरामद किया हमने, तेरा हेलमेट है ये जिसे पहनकर तू रागिनी से मिलने जाता था। अब झूठ मत बोलना क्योंकि गवाह है मेरे पास। और ये बैलगाड़ी का स्टिकर, तेरे बाप की पॉलिटिकल पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह है ये बात भी हमें पता है कि तेरी गाड़ी और हेलमेट दोनों पर है। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। रागिनी मेरे घर आया करती थी पापा से मिलने, तभी मैंने उसे पहली बार देखा। हमारे बीच बातचीत चालू हो गई, वो मुझे अच्छी लगती थी सर,
रागिनी पापा के जाल में फंस चुकी थी ये बात मैं जानता था, इसलिए मैं उससे छुप छुप के मिलने लगा। और एक दिन लाल चौक पर रागिनी का पीछा करते करते मैंने गलती से एक बुजुर्ग महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बाद में जब मुझे पता चला कि रागिनी और पापा के बीच सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, तो हम फिर मिलने लग गए, बातें करने लग गए। हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो गई, हम और नज़दीक आ गए। लेकिन एक दिन अंजलि ने मुझे और रागिनी को एक साथ देख लिया, उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। फिर मैंने अंजलि को वादा किया कि मैं रागिनी को अब फिर कभी नहीं मिलूंगा। ये अंजलि कौन है? सर, उससे मेरी शादी तय हुई थी और उसके बाद मैंने रागिनी से बात करना बंद कर दिया। फिर एक दिन रागिनी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी। शादी कर रहा है ना तू? मैं भी देखती हूँ अंजलि के साथ तू कैसे शादी करता है। शादी तो मैं करूंगा और तू कुछ कर नहीं पाएगी। निकल मेरे घर से, गेट लॉस्ट। रागिनी, अगर ये बात यहाँ से बाहर निकली ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। निकल। और जब रागिनी ने अबॉर्शन कराने से इनकार कर दिया और तुझे एक्सपोज करने की धमकी दी तो मार डाला उसे। नहीं सर, हाँ मैं गुस्से में था लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है सर। सर ये देखिए, तूने नहीं मारा ना रागिनी को? नहीं सर। तो ये क्या है? रिपोर्ट है ये, इसमें साफ साफ लिखा है तेरी गाड़ी में रागिनी के बाल मिले और फार्म के ट्रेसेस जो रागिनी का गला घोटने से पहले उसे सुंघाया गया था। बोल। सर मेरी गाड़ी है, दो दिन पहले ही वापस आई है, लेकिन ये गाड़ी तो सर वो गाड़ी तो मैंने किसी को दी थी। किसको? तो मैडम अंजलि, तो शुरू से बताओ, बोलो बोलो। सर, लोकेश और रागिनी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। लोकेश ने मुझे प्रॉमिस किया था वो उससे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने गया। मैंने उसका पीछा किया, वो रागिनी के घर के अंदर चला गया, मैं वहीं खड़ी थी। कुछ देर बाद वो वापस आया। पापा, लोकेश अभी भी रागिनी से मिल रहा है। आई वॉन्ट टू किल दैट। रागिनी से छुटकारा पाना चाहती हूँ? मैं मदद कर सकता हूँ। कितने पैसे दे पाओगी? जो तुम बोलो। कितने में डील हुई थी? 10 लाख। कौन था वो आदमी? उससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। तुमने उसके साथ 10 लाख रुपए की डील की और तुम्हें पता ही नहीं वो कौन आदमी था? बेवकूफ समझाया मैं? जब डील की थी तब तो शक्ल देखी थी ना? स्केच बनवा सकती हो? जी सर। ये पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर आप लोग यहाँ पर क्या हुआ है? सर चिंतन कहाँ है? चिंतन तो घर पे नहीं है, लेकिन क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। सर एक कैश मिला, रखो। ये पैसे किसके हैं? सर मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। ये ज्वेलरी मिला है। इतनी सारी ज्वेलरी किसकी है? नहीं सर ये मेरे नहीं है। मैं बताता हूँ किसके हैं। ये गहने रागिनी के हैं। और ये पैसे देख रही हो? ये पैसे रागिनी को मारने की कीमत। तुम्हारे पति चिंतन ने रागिनी को मारने की सुपारी ली थी। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तुम भी तो इसमें शामिल नहीं हो। सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। रागिनी को क्यों मारा तूने? तू तो उसे बहन मानता था ना? सब दिखावा था सर, पैसे नहीं थे मेरे पास। जानती थी वो मेरा मकान बिकने वाला था, ये भी पता था उसको। किस्त चुकाने के पैसे नहीं थे मेरे पास, और जिससे उधार लिया था वो घर तक आ गया था उस दिन। सलीम भाई, मैं आपके पैसे पक्के से लौटा दूंगा, मुझे बस थोड़ी और मोहलत दे दो, बस एक महीना। और अगर एक महीने बाद भी पैसे नहीं आए तो ये घर तो बिकेगा ही।
इसके साथ साथ तू भी दुनिया से उठ जाएगा। भैया ये कौन था? इन्होंने उनसे पैसे लिए थे बिजनेस के लिए। बिजनेस तो डूब गया, अब अगर पैसे नहीं लौटा पाए तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रागिनी तेरे पास कुछ पैसे हो तो मैं लौटा दूंगा। भैया सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक से आने वाले थे लेकिन वो भी अटके पड़े हैं। झूठ बोल रही थी वो। मिस्टर शुक्ला साहब के बहुत एहसान थे उस पर। लोकेश का भी उसके घर पर आना जाना था। पैसे तो थे उसके पास। उस दिन जब लोकेश उसके घर पर आया तो मैंने खिड़की से उन दोनों की बातें सुन ली। रागिनी के घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही निकला मुझे अंजलि की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर रागिनी को मारने की बात कर रही थी। मुझे पैसा कमाने का जरिया नज़र आया और मैंने जाके अंजलि से बात की। कितने पैसे दे पाओगे? जो तुम बोलो। 10 लाख। उसके बाद सर मैंने एक आदमी का फ़ोन चोरी किया और उसी फ़ोन से बबलू को फ़ोन लगाया और रागिनी को बुक करने के लिए बोला। रागिनी मेरी बताई जगह पर ठीक टाइम पर पहुँच गई और अरे चिंतन भैया आप लोकेश की गाड़ी में? हाँ उसी ने भेजा मुझे। आओ बैठो। ठीक है। मेरा लालच बढ़ गया था सर। रागिनी को मारने के बाद मैंने उसके पर्स से उसके घर की चाबी निकाली और उसके घर जाकर अलमारी से सारे गहने और पैसे चुरा लिए। तूने सिर्फ रागिनी का ही कत्ल नहीं किया बल्कि भाई बहन के रिश्ते का भी कत्ल कर डाला। चिंतन को रागिनी के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं रागिनी की हत्या में भागीदार अंजलि को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। साथ ही लड़कियों को जबरदस्ती जिस्म फरोशी के दलदल में उतारने वाले देव प्रसाद शुक्ला और बबलू को भी सख्त सजा हुई। जानकी एक्सीडेंट केस में दोषी पाए जाने के बाद लोकेश को भी कड़ी सजा सुनाई गई। फाइनली केस तो खत्म हुआ? नहीं शर्मा, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। एक बड़ा काम करना भी बाकी है। लड़कियों को भी महत्वाकांक्षा और सपनों के पंख लगाकर उड़ान भरने का उतना ही हक है जितना कि लड़कों का। लेकिन समाज में लड़कियों को अब भी उपयोग और उपभोग की वस्तु समझने वालों की कमी नहीं। ऐसे लोग बड़े शातिर तरीकों से मासूम लड़कियों को लुभाने की कोशिश करते रहते हैं। रागिनी के साथ शुक्ला और बबलू ने यही किया। लेकिन रागिनी की मौत के 3 महीने बाद पुलिस ने ना सिर्फ बुजुर्ग महिला की मौत का कोल्ड केस सुलझा लिया बल्कि इस मामले में दोषी चिंतन की पत्नी रचना को 20 साल पहले बिछड़ी उसकी माँ से मिलाकर मानवता की मिसाल कायम की, जिसके लिए हमारी टीम उन्हें दिल से सलाम करती है। अपनों की बजाय गैरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो रागिनी के केस को देखकर समझा जा सकता है। उसने माँ बाप को छोड़कर जिस चिंतन पर भरोसा किया उसी ने उसे शर्मसार कर दिया। अपने परिवार में उम्र और अनुभव में बड़े और तजुर्बेकार लोगों की अहमियत को समझें और उनसे सलाह लेने में जरा भी ना हिचकिचाएं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.